20 साल बाद सर्वपित्र अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु उज्जैन के इस प्राचीन शनि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ते दिखाई दिए। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर की स्थापना की थी। यह देश का पहला ऐसा मंदिर भी है जहां शिव के रूप में शनि की पूजा की जाती है और लोग मनोकामना कर शनि से कृपा पाने के लिए तेल चलाते हैं। लोगों ने रात 12 बजे बाद से ही फुहारों में नहान शुरू कर दिया था, लेकिन मुख्य नहान सुबह सूर्योदय के बाद अमावस्या पर्व काल में ही किया गया। प्रशासन ने रात से ही उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी भी की जा रही थी। नदी में जल भराव होने के कारण श्रद्धालुओं को नदी में नहीं जाने दिया गया, इसलिए बैरिकेड से होकर पहले फुहारों में नहान करवाया गया और फिर शनि दर्शन करवाए गए। मान्यता है कि आज के दिन दर्शन मात्र से ही शरीर के कष्ट और परिवार की विपदा टल जाती है। शनि मंदिर में जूते चप्पल मंदिर के बाहर दान करने से शनि की बुरी दशा से मुक्ति मिलती है। इस कारण हजारों की तादाद में जूते चप्पल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी प्रशासन द्वारा नीलामी भी की जाती है। एबी न्यूज़ उज्जैन।